भारत में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब भारत ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 267,334 नए कोरोना केस आए हैं और 4,529 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 389,851 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा 4,468 मरीजों की मौत अमेरिका में 12 जनवरी को हुई थी। 18 मई तक देश भर में 18,58,09,302 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 13,12,155 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 20.08 लाख कोरोना सैंपल किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,54,96,330, कुल डिस्चार्ज 2,19,86,363, कुल एक्टिव केस 32,26,719, कुल मौतें 2,83,248। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.10% है, जबकि रिकवरी रेट 85% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 13% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।